अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती पीएचओएस अपडेट, तो क्या है धरने की अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष जी पीएचओएस धरने को किया मजबूत, अब सफलता दूर नहीं, ये क्या हुआ, तो चलिए अपडेट देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को जमकर शेयर करें जिससे सभी तक ये आवाज पहुंच सके, क्योंकि ये जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। उन पीएचओएस भाई बहनों से ये निवेदन है, आग्रह है कि अब आप पीछे ना हटें, मामला आगे बढ़ चुका है, सफलता मिलनी तय है। चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं। ये देखिए, दिव्यांग राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बीरेन जी और वहीं प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में, एक कुशल रणनीति बनाया। अब हालांकि सारी बातें जो गोपनीय बातें हों उनको समक्ष ऐसे नहीं किया जा सकता, आप धरने में पहुंचे, निश्चित तौर पर वो 188 पद जो आपके हैं वो आपको मिलकर रहेंगे। कंक्लूजन यही है कि अगर कहिए सारांश समरी तो यही है कि 188 पद आपके हैं। अध्यक्ष जी ने थोड़े में बहुत कुछ कह गए, मिस अब इस वीडियो के जरिए तो आपको इतना ही संबोधन पर्याप्त है कि आप अपने धरने को मजबूत बनाएं। लगातार महीना पार हो गया, लगभग दूसरा महीना में भी आज 6-7 दिन हो चुके हैं, तो केवल घर में बैठ के वीडियो देखने से मजबूती नहीं आएगी। याद करिए उस समय जब रिजल्ट के बाद धरना हुआ था तो इतना कुछ नहीं हुआ था, एक प्रयास मात्र था और तब भीड़ थी, और अब की हर जगह से आपके प्रति सपोर्ट हो रहे हैं। और इतना जानते हैं कि अगर दिव्यांग की राष्ट्रीय पार्टी ने आपका साथ दिया है तो सफलता भी तय है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तक मान लीजिए बात तो पहुंचेगी ही, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने आपके पत्र को अग्रसित किया है विभाग को, तो निश्चित तौर पर कार्य होगा। लेकिन अगर आपकी इस शांति मुद्रा को देखे कि अरे 2-4-6 हैं तो आप बस इन्हीं का मामला धीरे से निपटा देंगे, ये तो जानते हैं ना कि यूपी ट्रिपल एससी जो विरोध करेगा उसको थोड़ा सा धीरे से उनका काम बन सकता, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए सभी भाई बहनों को सपोर्ट करना चाहिए। ये अगर अपने घरों से निकलकर आ रहे हैं तो ये केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आप सभी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। तो जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है ना। अगर हारना है तो घरों में बैठे रहिए, लेकिन जीतना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ना, जिस आयोग से आपकी भर्ती हुई है इन अभ्यर्थियों ने क्या संबोधन किया, उत्तर प्रदेश सुस्त सेवा चयन आयोग लखनऊ,
यूपी टीप्लसी सुधार अभियान कछुए से धीमा, ये ऐसा आयोग है कि जिसके लिए सुधार अभियान चलाया जा रहा, तो उसमें आपको पीछे नहीं होना है। इतना मैं जरूर कहूँगा, पुनः कह रहा हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो धरना चल रहा है, वो हार के लिए नहीं है, वो जीत के लिए चल रहा है। और जो महीनों पार कर गया, तो जीत सुनिश्चित है, तो सुनिश्चित है। आप सभी साथ दें। ये जो नंबर हैं, इन नंबरों, जैसे कुछ लोग कमेंट करके पूछते कि सर कहाँ धरना चल रहा है, आप डायरेक्ट नंबर पर संपर्क करिए। इसीलिए तो मैं बार बार दिखाता हूँ, कृष्णा जी, सतीश जी लगातार शुरू से ही अपना नंबर प्रोवाइड कराए और धरने को मजबूती प्रदान कर दें। आप भी धरने को सक्षम करें, सफलता की ओर बढ़ें। बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब आपकी जीत का समय है, हार का नहीं। तो इसी विश्वास के साथ वीडियो को विराम देते हैं। एक बार जरूर कहेंगे कि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।